बोन्स एंड जॉइंट, बोन्स एंड जॉइंट का आप यहाँ पे सारी चीज देख पा रहे हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। और ये यूजुअली जो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं 40 के बाद स्टार्ट होते हैं, 40 के बाद धीरे धीरे। अब इसके मेन इसके सिम्टम्स क्या क्या है कि एकदम से रेडनेस स्टार्ट हो जाती है, हल्की सी गर्मी रहती है जो जब ज्वाइंट्स हमारे सूज जाते हैं, और उसी तरीके से दर्द स्टार्ट हो जाता है। मेजरली प्रॉब्लम है अगर हम अपने चारों तरफ देखें, ज्यादातर लोग हमें ये कहते मिलेंगे कि अब घुटनों में दर्द हो रहा है, ये और प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी जो चीज, जो पहला प्रोडक्ट हमारे पास इसके लिए आता है, वो आता है ग्लूकोसामाइन। अगर मैं इसके लिए एक सिंपल भी बात कहूंगा कि अगर इसके लिए गूगल पे भी आप सर्च करोगे और लिखोगे कि व्हाट इज द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर द नीज, तो जो सबसे पहला नाम आने वाला है वो ग्लूकोसामाइन का आने वाला है। तो ग्लूकोसामाइन होता क्या है कि नेचुरल कंपाउंड है जो कि ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है, हमारे जॉइंट्स के आसपास ही बनता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये स्क्रीन के ऊपर एक फोटो आ रहा है, तो इसके अंदर सेन्यूबल फ्लूइड है, बोन है, ये कार्टिलेज है और ये वाली मेम्ब्रेन है। तो ये एक हेल्दी जॉइंट है और धीरे धीरे सेन्यूबल फ्लूइड हमारी बॉडी से कम होता चला जाता है, हमारे जो जोड़ है, हमारे जॉइंट्स है, उसमें से कम होता चला जाता है एज के साथ साथ, तो किसी भी चीज की डेफिशिएंसी के कारण। और जब ये हड्डियां आपस में टकराती हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू जो है जिसको सेनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये आपस में टकराती है और घुटनों में दर्द होता है और लोग कहने लगते हैं घुटनों का ग्रीस बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो ये वो प्रॉब्लम है। और इसके बाद सेनोवियल फ्लूइड का दूसरा फायदा भी क्या होता है कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कि जैसे हमने अपनी गाड़ियों के अंदर देखा होगा कि ऑयल फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर होते हैं कि जैसे ही कोई भी झटका लगता है तो हड्डियों को ये आपस में टकराने से बचाता है। और जो इसमें ग्लूकोसामाइन हेल्प करता है कि हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने में और हमारी कार्टिलेज को हेल्प करता है। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है, लेकिन पर्टिकुलरली एज के साथ साथ ग्लूकोसामाइन हमारी बॉडी के अंदर बनना कम हो जाता है और वहां से ये प्रॉब्लम सारी स्टार्ट होती है। और उसके बाद ग्लूकोसामाइन के अंदर एक सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ड्राइटिन, एक भी एक तरह का मॉलिक्यूल है जो हमारी कार्टिलेज के अंदर होता है। और ये पर्टिकुलरली इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी में सही है तो बोन्स जॉइंट्स हमारे हेल्दी रहेंगे। लेकिन इनकी कमी के कारण ऑर्थराइटिस, ये स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स, ये चीजें डेवलप हो जाती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोसामाइन का लेवल सही बना रहे, कॉन्ड्राइटिन का लेवल सही तरीके से बना रहे, तो उसके लिए हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं कि इट द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्राइटिन। ये जॉइंट्स हैं, यहाँ पे देखा होगा ये वाले हेल्दी जॉइंट है, डैमेज जॉइंट्स किस तरीके से यहाँ पर बोन्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई, डैमेज कार्टिलेज हो गई। अब ये जब हड्डियां आपस में टकराएंगी तो कहीं ना कहीं वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ऑर्थोआर्थराइटिस की है, यानी जोड़ों की जो मेजर प्रॉब्लम है जिससे सबसे ज्यादा लोग सफर्ड है हमारे आसपास, और 40 के बाद तो ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब कहीं ना कहीं इसका भी इंपॉर्टेंट रीजन, आपने पुराने लोग देखे होंगे जिनको 60-70 के बाद जाके हल्का फुल्का दर्द होता है या उन्हें वो भी नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ तो अब तो देखो 40 के बाद ही लोगों के घुटनों में, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी हमारी बंद हो गई है, खाना जैसा है उसके बारे में तो हम हर एक CNT में बात करते हैं। तो हमें इस प्रोसेस को, इस चीज को लेना ही पड़ेगा। और दूसरी बात की जो ये ग्लूकोसामाइन है उसके उसके अंदर जो खास तरह की प्रॉब्लम होते हैं वो होती है एंटी ये वाली एनल्जेसिस एंड एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। अब ग्लूकोसामाइन के साथ दो बातें याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देगा। एनल्जेसिस क्या होती है, जो पेन किलर्स के अंदर जो एक इफेक्ट होता है, सूदिंग इफेक्ट होता है, उसको बोला जाता है एनल्जेसिस। और एंटी इंफ्लामेटरी मतलब सूजन। तो जहां भी जोड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, इशू आता है, वहां पर ग्लूकोसामाइन काम करता है और बड़े अच्छे रिजल्ट इसके हैं। और इसको कैसे यूज करना है, एक कैप्सूल दिन में 3 बार, 450 mg का कैप्सूल है। और इसके ऊपर रेड निशान लगा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये रेड निशान लगा हुआ है, नॉन वेज है, तो कॉन्ड्राइटिन जो हमने इसके अंदर लिया है वो बाहर से लिया है, वो हमने शेल से लिया है, CPO से, जो CPO होती हैं, शेल्स होते हैं, उससे हमने कॉन्ड्राइटिन को एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये बेस्ट सोर्स है। और इसके अलावा घुटनों और ज्वाइंट के लिए कोई चीज नहीं है। अगर आप खुद अपने आप, सबके पास फोन है, गूगल के ऊपर एक बार सिर्फ ये लिख के दिखाओ कि व्हाट इज द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर द नीज एंड द ज्वाइंट, सबसे ऊपर नाम ग्लूकोसामाइन का ही आने वाला है। इसीलिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। दो तरह की पैकिंग में हमारे पास आता है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कैल्शियम। कैल्शियम एक मिनरल, 99% जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी में
कहाँ स्टोर्ड है, हमारे बोन्स में और हमारे हमारे टीथ में। और जो 1% कैल्शियम है वो हमारे जो हमारे खून का फ्लो है, मसल्स है, सेल्स के सॉफ्ट टिश्यूज है, उसके अंदर यूज होता है। अब इस बात को बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1% कैल्शियम, ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम मेजरली स्टार्ट होती है वो 1% से स्टार्ट होती है, ऑस्टियोपोरोसिस। रीजन वही है कि जो लोग कहते हैं कि दूध में कुछ नहीं है या इस तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते, उनकी बॉडी को सफिशियंट कैल्शियम नहीं मिलता, लेकिन बॉडी को मेटाबॉलिज्म को चलने के लिए, ब्लड फ्लो को फ्लो होने के लिए तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, तो वो धीरे धीरे कैल्शियम आपकी हड्डियों में से निकलने लगता है, क्योंकि बॉडी तो रेगुलेट करेगी ना, उसको जहां से जो चीज चाहिए वो वहां से लेगी। तो इसीलिए कैल्शियम का हमारी बॉडी में रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब ये कैल्शियम बॉडी में नहीं जाता तो हड्डियां एकदम से टूटने लगती हैं, खाली होने लगती हैं, एक साथ जरा सा झटका लगा एकदम से हड्डी टूट गई। और कैल्शियम के साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, विटामिन D3। खास तौर से इसमें देखो फोटो में दिखाया हुआ है कि एक सूरज बना हुआ है, सन है, तो विटामिन डी का जो सबसे मेजर सोर्स है वो क्या है, सनलाइट है। अब लेकिन आप इस बात को देखो, हम में से कितने लोग सनलाइट के एक्सपोजर में होते हैं, वरना सबसे सही टाइम जहां पर हमें बॉडी विटामिन डी एब्जॉर्ब करती है वो सुबह का 7 बजे से 8 बजे का टाइम है। कितने लोग हम उस टाइम में रहते हैं बाहर, तो मेजरली लोग उस टाइम में धूप में नहीं रहते। और आज हिंदुस्तान में करीब 80% लोगों को विटामिन डी की प्रॉब्लम है, और विटामिन डी मेजरली, और शहरों के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप खुद भी अपना एक बार गूगल पे इसके बारे में सर्च कर सकते हो कि भी डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी किन किन प्रॉब्लम्स को ये लेके आती है, क्योंकि हम लोग बाकी टेस्ट तो करा लेते हैं लेकिन कभी भी विटामिन्स के टेस्ट, मिनरल्स के टेस्ट कभी नहीं कराते हैं। जब देखते हैं कोई हमें सिवियर प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ऐसा इस तरह का इशू हो गया है, जब जाके डॉक्टर सबसे लास्ट में बोलता है कि चलो अभी एक बार इसके मिनरल टेस्ट भी करा लो, एक बार देखो विटामिन डी है या नहीं है। तो हमारे इस कैल्शियम के अंदर ऑलरेडी विटामिन डी है, और विटामिन डी के कारण ही वो कैल्शियम हमारी हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब होता है। विटामिन डी के ना होने की वजह से नॉर्मली जो आपने कैल्शियम लिया भी है वो भी आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसलिए कैल्शियम का होना और कैल्शियम में D3 का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ इसी कॉम्बिनेशन के अंदर। यहाँ भी देखो लिखा हुआ है कि इसमें सिंथेसाइज इन द बॉडी यूजिंग सनलाइट, बट लो एक्सपोजर, यानी कि 4 में से 3 हिंदुस्तानी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। 4 में से 3, 75% हो गया। ये आपके बोन्स को, जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, इंप्रूव करती है आपकी मसल्स को। अब बात आती है कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितने, क्या फायदा है। तो कैल्शियम की जो प्रॉब्लम है कि जिनको भी वो डेंटल प्रॉब्लम है वहां मेजरली ये रोल प्ले करता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन है उसमें कंट्रोल करता है। तो जो 18 साल के 16 साल तक के बच्चे जो हैं उनके लिए कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 1000 mg से 1300 mg के बीच में। और जो बड़े लोग हैं मेल फीमेल, उनकी रिक्वायरमेंट 1000 से 1200 mg के बीच में। और ये प्रेग्नेंटिंग वुमेन जो लैक्टेटिंग फीमेल्स जो हैं, जो कि छोटे बच्चों को दूध पिलाती है मदर्स, तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और 1300 mg के आसपास आ जाती है। अब एक बात सोचो कि एक गिलास दूध आप पीते हो 200 ml, उसमें करीब 150 mg 150 mg कैल्शियम होता है। अब आप पूरे दिन ऐसा क्या खाते हो कि इस रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते हो, तो कहीं ना कहीं वो डेफिशिएंसी तो डेवलप होगी ना। तो हमें इस बात को समझना है कि हमारी बॉडी को कितने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है और कितना हम ले रहे हैं और कितना उसमें से बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। मैं तो इसके साथ साथ और भी कहूंगा कि 3 महीने में 1 बार विटामिन डी के सेशे आते हैं, इसके साथ साथ 3 महीने में 1 सेशे आप ले लो, ये वाले विटामिन डी के सेशे होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो जिनको प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर ऑलरेडी उनको लिख के देता है। लेकिन आपने रेगुलर अगर कैल्शियम यूज किया है तो विटामिन डी इसके अंदर अपने आप है। अब इसका डोज क्या है कि 4 कैप्सूल तक आप लगातार खा सकते हो। और कैल्शियम में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको आयरन के साथ नहीं खाओगे, कम से कम इसमें 3 घंटे का गैप होगा। जो लोग फॉलिक आयरन यूज कर रहे हैं, वुमेन्स जो फॉलिक आयरन यूज कर रही हैं, या तो वो इसको अल्टरनेट डेज पे रखें, एटलीस्ट 2 टैबलेट तो खाना खाने के बाद आपको लेनी है, एक गोली से कुछ नहीं होगा, 2 सुबह 2 शाम को। और जो आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बीच में अपने सिर्फ लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए आप कर रहे हो, तो 2 कैप्सूल भी आप इसके रेगुलर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये ऑलरेडी बेस्ट क्वालिटी का कैल्शियम है, ये स्टोन को भी डेवलप नहीं होने देगा। कई लोगों के दिमाग में सवाल आता है
कि सर इसको लेंगे तो स्टोन डेवलप हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। बेस्ट क्वालिटी का कैल्शियम है, मार्केट से जो भी कैल्शियम आता है उनसे भी आप कंपेयर कर सकते हो, इसके इंग्रेडिएंट्स उनसे कहीं बेहतर है और रेट में भी बहुत कम है। और इसको खास तौर से बात हुई कि अगर आपने आयरन सुबह लिया है तो आप दोपहर को आप कैल्शियम ले सकते हो, अगर दोनों चीजें साथ लेनी है। और ग्लूकोसामाइन के साथ कैल्शियम हमें जरूर देना है। तो बीच बीच में जैसी पर्टिकुलरली किसी की एज हो गई, अब वो या तो इस बात का इंतजार करेगी मुझे जब घुटनों का दर्द होगा जब ही मैं कैल्शियम लूंगा, ऐसा नहीं है 2 से 3 महीना खाओ फिर 1-2 महीने छोड़ दो फिर ले लो, तो लगातार आप इसको लेते रहोगे करते रहोगे तो आपकी बॉडी में वो डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आप सबका आने के लिए धन्यवाद, विश यू वेल्थ।